आज हम सबके लिए हरियाणा में और पूरे देश में ये एक बहुत अच्छी खबर है कि एक कोविड की बीमारी जिसके लिए कोई रोकथाम के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है, उसके लिए भारत में भी इसकी शुरुआत हो गई है। और शुरू में अभी 3 संस्थानों के अंदर इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है, जिनमें PGIMS रोहतक एक है। आज हमने 3 सब्जेक्ट्स को ह्यूमन ट्रायल के लिए एनरोलमेंट किया है और शुरू में ये जांच किया गया कि उन्होंने इस वैक्सीन को बहुत अच्छे से टॉलरेट किया है और उनके अंदर कोई भी इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं आया। और ये शुरू में जो रिज़ल्ट आए हैं, इससे एनकरेज होकर आज हमने 10 पेशेंट्स का और भी कोविड टेस्ट किया है और बाकी भी जांच की है। अगर उनका रिज़ल्ट भी हमें ठीक मिलता है तो ये कल कुछ और पेशेंट एनरोल किए जाएंगे। हमें उम्मीद है कि जैसा हमने सेल लाइंस की स्टडी में देखा गया है और एनिमल ट्रायल्स के अंदर देखा गया है पूरे देश के अंदर, तो उससे एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं और ह्यूमन ट्रायल में भी एंटीबॉडी अच्छी बनेगी, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। बायोटेक द्वारा निर्मित कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन का आज ह्यूमन ट्रायल रोहतक PGI में आरंभ किया गया। आज 3 लोगों को वो दवा देकर देखी गई है और उनका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है, जो कि एक बहुत सुखद समाचार है। और जल्दी ही और लोगों पर भी इसका टेस्ट किया जाएगा।